आज बिग बॉस सीजन 10 के घर से हुई है एलिमिनेट एलिना कजान। वैसे तो ये वाइल्ड कार्ड एंट्री थी और हाल ही में बिग बॉस के घर में गई थी और एक वीक में हो गई आउट इसी घर से। जनरली वाइल्ड कार्ड एंट्रीज को एक वीक में एलिमिनेट नहीं किया जाता था और ये हमने देखा है पिछले सीजन में, लेकिन हो गई है एलिना कजान घर से बेघर। तो आइए जानते हैं एलिना से बिग बॉस सीजन 10 की इस शॉर्ट जर्नी के बारे में। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि एक दिन में इतने सारे इमोशंस है। कभी कभी सब लोग खुश है, कभी भी और देख अचानक से लड़ाई हो रही है, आपको पता नहीं क्या होगा। तो इससे आप लोग मतलब इमोशनली बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एंड देन वी वर वो हम पर्दे के ये ग्लास शीशा के पीछे थे और ये बूम हो गए, तो वेरी मतलब फिल्मी, इट्स लाइक वेरी एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग। और इट वाज इंटरेस्टिंग क्योंकि हम इतना टाइम साइकिल तो कभी जिंदगी में चलाया नहीं। एंड वो बॉन्डिंग एक्सपीरियंस भी थी बानी और जेसन के साथ, क्योंकि टास्क बहुत मुश्किल है लेकिन आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो इससे आपको एनर्जी मिल रही है, मतलब कोई जोक मार के। तो ये मुझे एक्सपीरियंस मुझे अच्छी लगी। मेरे साथ बाबा जी से बहुत अच्छी बात हुई थी। वो हमेशा हमारे पास आता था, बैठता था, बात करता था, हमको खाना दिया था। और अगर आप बाबा जी से कुछ पूछो, बाबा जी आप ये करो, वो कभी ना नहीं बोलेगा। तो मुझे ये अच्छा लगा। ऑब्वियसली बहुत नौटंकी कर रहे हैं लेकिन ये शो भी ये फॉर्मेट है ना, उनको ना नौटंकी चाहिए, राइट? तो बाबा जी ये कर रहे हैं जो उनको अपने हिसाब से अच्छा लग रहा है। So Elena, what would you like to say about the last task with Nitibha? मुझे अच्छा लगा क्विट। मेरे हिसाब से मैंने सही किया क्योंकि मुझे ये जो होने वाला था मुझे करने नहीं था। इट वॉज नॉट अबाउट स्ट्रेंथ या एंडोरेंस या कुछ भी, इट्स अबाउट आई गोना पी इन देयर और नॉट नो। तो मैंने ये सब पहले होने से, और मुझे पता था क्योंकि आई डोंट हैव टू पी फॉर लॉन्ग टाइम, आई एम यूज टू लाइक ट्रैवलिंग इन ट्रेन्स, तो आई नेवर गो टू द बैथरूम, सो आई कैन गो टू अपर बर्थ एंड स्टे फॉर 36 आवर्स, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देन मैंने सोचा कि ही विल हैव टू गो टू बैथरूम अर्लियर एनीवे, तो ये 5 घंटे के बाद या 10 घंटे के बाद सेम सिचुएशन आएगा, शी विल हैव टू गो एंड आई विल नेवर गो, आई नो आई विल नेवर गो बिकॉज इट आई विल नॉट डू इट। सो इससे अच्छा जल्दी खत्म करो काम, बिकॉज दैट विल बी ऑब्वियस, व्हाई स्टे देयर। बहुत ठंड थी, सो मेरे हिसाब से आई वॉज जस्ट रिजर्विंग माई स्ट्रेंथ ऑल्सो। कल क्या टास्क होगा वो भी पता नहीं है, सो आई जस्ट डू अ क्लीन एग्जिट एंड बस हो गई बात। शो में आप काफी कम नजर आई और जब नजर आई तो लोपा से लड़ते हुए नजर आई। लड़ाई रोटी की वजह से, हाँ हम बहुत भूखे थे और इस वजह से लड़ाई हो गई। लोपा के साथ क्या, मैंने क्या बोला, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैंने बोला आप कुछ दिखाओ हम ये ऑर्गेनाइज करेंगे, तो लेकिन उसको सीधा बात बुरा लगा। मानवीर और गौरव के बीच में जो टास्क हुआ उस टास्क को लेकर मानवीर को चोटें लग गई एंड लोपा ने गौरव के लिए स्टेटमेंट पास किया कि गौरव इनह्यूमन है और उनमें ह्यूमैनिटी नहीं है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? क्या बात है, वैसे भी सारे कितने लोग थे वहाँ पे, कम से कम 10 लोग उसको उठाने के लिए, मैं भी गई हूँ तो संभालने का कोई ऐसे सवाल नहीं है, और डॉक्टर है उनके पास, तो गौरव क्या करेगा उसके जाके। और ये उसकी गलती ही, अगर आप किसी को बोले ये मत करो मत करो मत करो, वो इंसिस्ट करता है, ऐसे नहीं कि एक्सीडेंट हुआ अचानक से कुछ गिर गया है ना, ये उसकी अपनी गलती है। वो कहीं से तो आपको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए आपके एक्शंस के ऊपर है ना, बिकॉज ही वॉज एवरीबडी वॉज टेलिंग इट। और ये जोर जोर से ये ऐसे मरने का क्या जरूरत थी, कोई ज़रूरत नहीं थी ना, बिकॉज और गौरव ने दिखाया है कि आप ये गेम आराम से खेल सकते हैं। और मनवीर भी ऐसे जोर से ये क्या क्या था उसके पास कपड़ा मर के भी गौरव को भी चोट लगा था आंखों पर ना, लेकिन वो भी नहीं सोचा, तो ऑफकोर्स बुरा लगा कि ऐसे होना नहीं चाहिए था, बट कहीं तो रिस्पॉन्सिबल है। अब आप इरिस्पॉन्सिबल हो अगर आप ड्रिंक और ड्राइव करते हैं और आपके एक्सीडेंट हो जाते हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो ऑब्वियसली आपका दोस्त है बुरा लगता है, बट कहीं आपको तो स्टैंड पे लेना चाहिए कि कोई एक्शन गलत ही गलत है, दोस्त है या दुश्मन है ये कोई भी है नहीं। टास्क तो सीरियस लेना है, ऑब्वियसली टास्क है, लेकिन थोड़ा सा आराम से करना है जैसे गौरव ने किया। हाँ उन लोग उसने कम से कम 20 बार बताया, सब लोग जूते पहनो जूते पहनो जूते पहनो, लेकिन वो अपने जोश में इतना घुस गया है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर कोई गेम खेलना तो दिमाग से खेलना गौरव के जैसे। Yeah, obviously. But Gaurav aise hi hai, aise bhi, but I was expecting like that. See, but agar Gaurav aise aggressively jeete, main bhi uske paas jaati hu, Gaurav kya kar rahe ho, kyun kar rahe ho aise? I would have also told him ye galat hai, even though I was supporting Gaurav. Who according to you is the best contestant and who should win Big Boss according to you? Bani. I think Bani is wonderful and she's very sweet. Aur, but kabhi kabhi logon ko agar aap straight forward ho, wo pasand nahi hai. Elena, what next after Big Boss? हाँ खतों के खिलाड़ी मुझे अच्छा लगा, झलक, आई लव टू डांस, या आई वुड लव टू
मुझे ऐसे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं, नॉट लाइक पीइंग समवेयर, बट लाइक समथिंग इंटरेस्टिंग एंड डिफिकल्ट. एनी मैसेज टू योर व्यूअर्स? आई थिंक इट्स वी शुड बी वॉचिंग सो द शो गेट्स मोर टीआरपीस एंड या प्लीज आप बिग बॉस को सपोर्ट कर लीजिए. This is Elena Kazan. You're watching me on India Forums. Ashima Chavda, camera person Mangesh, India Forums, Mumbai.